सोशल मीडिया पर एक युवक ने भगवान श्री कृष्ण पर आपत्तिजनक पोस्ट किया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर पोस्ट करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। छतरपुर में सोशल मीडिया पर भगवान श्री कृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने के खिलाफ आम लोगों और हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन कर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कृष्ण जन्माष्टमी पर कदारी गांव के एक युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे लोग काफी नाराज थे। विगत कल सुबह 9 बजे की बात है, एक सोशल मीडिया अकाउंट जो कि कदारी गांव का एक सुरेश चौधरी नाम से व्यक्ति है, हमारे भगवान को आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखकर हमारे सनातन धर्म को, हम लोगों को बेइज्जत कर ठेस पहुंचाई गई, जिसके आज उसी के तो उसमें हम लोगों ने माननीय थाना प्रभारी कमलेश साहू जी को एक FIR के लिए वो किया है यहाँ सिविल लाइन में, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई चाहते हैं हम। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुरेश चौधरी निवासी कदारी का है, जो इसके द्वारा हिंदू धर्म के विरुद्ध, भगवान कृष्ण के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी, जिससे एक बहुत बड़े समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं, और इसीलिए यहाँ पे हिंदू समाज के लोग जो हैं काफ़ी संख्या में आए थे, और उन्होंने FIR कराई है जिस पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।